कन्नौज के छिबरामऊ तहसील में चकबंदी अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ भगवंतपुर की चकबंदी प्रक्रिया निरस्त कराने की मांग को लेकर किसान 18 दिन से धरने पर बैठे हुए थे। आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर छिबरामऊ तहसील परिसर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों को समर्थन देते हुए उप जिला अधिकारी को अपने साथ बैठा लिया और कहा कि जब तक समस्या का निस्तारण नहीं होगा तब तक उप जिलाधिकारी हमारे साथ ही बैठे रहेंगे, और कहा किसानों की जमीन उनको वापस की जाए और चकबंदी को सही तरह से कराई जाए, नहीं तो रोड जाम किया जाएगा। कितना रुपया लिया आपसे? मुझसे भी तब ले 1000 रुपए लिए, जब मेरे पास पैसे नहीं थे मैंने अपने बीवी पायल और तोड़िया बेच कर सुनिए उसने मुझसे 75,000 रुपए मांगे। रकबा कम किया गया साहब को कुछ सारी समझते हैं, रकबा कम करने का कम किया जाता है उसके आदेश फाइल बनती है और उसकी कोई आदेश नहीं, कोई गलती नहीं है। निपल निलंबन में ये पॉइंट खोला गया है तो ये अधिकारियों को समझ में नहीं आता क्या, ये ग्रेन पढ़े लिखे नहीं है क्या? ये अधिकारी इतने भी पढ़े लिखे नहीं कि नकल करके बैठे हुए हैं क्या यहाँ पे? इनको पता नहीं है कि किसान यहाँ पे बैठे हुए अपनी जय समस्याओं को लेकर बैठे हुए हैं, इनको इतना पता नहीं है ये पढ़े लिखे हैं या पढ़े अनपढ़ लेके क्या है जो यहाँ पे बैठे हुए अपने एसी का मजा ले रहे हैं और किसान यहाँ झूम में है, वे किसी का हर मांगने थोड़ी नहीं आए हैं। अगर कोई समस्या है तो उसी के लिए तो आए हैं, ऐसा तो है नहीं कि चलो ठीक है कोई आपके नाजायज काम कराने के लिए आए हैं। तो अधिकारियों को यही चेतावनी है कि भगवंतपुर की चकबंदी निरस्त हो, अन्यथा भगवंतपुर माधवपुर की चकबंदी निरस्त हो, अन्यथा सभी किसान भाई सड़कों पे आ जाएंगे और अपना आंदोलन करेंगे। सुधर जाओ अगर किसान अपने पे आ गए ना तो आप भी ऑफिस से बाहर आ जाओगे, इसलिए सुधर जाओ। एक बार नारे लगाएंगे भारतीय किसानों ने किसान, भारतीय किसानों ने किसान, राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर, राजेश गोयल, सतीश शर्मा प्रदेश संपूर्ण मंत्री, सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग धरने में क्या समस्या आ रही है कि यहाँ के किसानों की कोई सुनवाई ऊपर तक नहीं पहुँच पा रही है? मैं आपको बताऊं, कल मैं माननीय डिप्टी सीएम के साथ बैठा हुआ था, या तो वहाँ पर लगता है कि सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। वहाँ पर उनको बताया हमने कि जमीन स्तर पर आप अब हो गए हो जीरो, जमीन पर कुछ नहीं है, सरकार में भले ही बैठे हो। या तो मुझे लगता है कि यहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी है सरकार विरोधी है, ये नहीं चाहते कि अगली बार सरकार बने, क्योंकि सरकार की आप चीजें सरकार तक पहुंचाएंगी नहीं। जब लेखपाल निलंबित हुआ है ये तो वो प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ जाएगी, जब लेखपाल ने इतनी गड़बड़ी की है उसे निलंबित करना पड़ा आपके विभाग को, ये तो निरस्त क्यों नहीं हो रही है चकबंदी? मतलब एक किसान की एक सब्र की इंतहा होती है। अभी तो आज नहीं आया हूँ, आज रुकूंगा जब तक चकबंदी का कोई निर्णय नहीं निकलेगा। सुबह जिलाधिकारी महोदय का फोन, पहले तो हम बात करते हैं राजीवाजी, आप हमारा पूरा LIC से अपने से पूछ लेना, ठीक है, पूरा इतिहास पूछ लें, उसके बाद फिर हर तरीके की भाषा में बात करना जानते हैं, सम्मान की भाषा में, उसके बाद जो जो भाषाएं आती हैं सब तरीके की भाषा में। तो चकबंदी के जितने भी सक्षम अधिकारी हों जिले में वो यहाँ पे आ जाएं, रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, जब तक निपटारा हो आज, तब तक आज इसका निपटारा हो दे रहेगा, क्योंकि 18 दिन से बैठे।
आलू खुदने को है, लोगों का खुद रहा है, गेहूं का टाइम आने वाला है, खेतों में पानी लग रहा है, बहुत सी जगह है। तो जब ये बताओ फसलें होंगी नहीं तो किसान खाएगा क्या? 15 दिन से देखा था लगातार नैयर थी मेरी धरने पर है क्या हो रहा है, और अभी मैं आया हूँ, बहुत से फोन आ रहे हैं कि आपने बताया नहीं, अब मैं रुकूंगा तो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी कि यहाँ पर क्या क्या होगा। इसके आपकी वजह से हुआ था यहाँ पर, फिर भी आप इन लोगों ने आपका मान सम्मान रखा तो आप ऐसा मान लीजिए। और जैसा कि जिलाध्यक्ष मैनपुरी ने कहा है कि हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और चक्का जाम कर देंगे, आखिरकार सब जितना यहाँ बैठा हुआ है कुनबा वो सब है तो किसान ही, सब सब रोटी देता है यहाँ के अधिकारी अधिकारियों को, सबके सबके पेट में कहाँ से अन्न जाता है, यही सभी लोग मेहनत करते हैं खेतों पे, वो अन्न उनके यहाँ जाता है, पेटों पे जाता है, उनके बच्चे खाते हैं, और इन लोगों को ये जू नहीं रह रही है कि लेकर आप समर्थन दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए आप? यहाँ जो चकबंदी को लेकर के भ्रष्टाचार हुआ है उसके विरुद्ध संगठन, हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन किसान, जिलाध्यक्ष राजा शुक्ला के नेतृत्व में पिछले 18 दिनों से धरने पर हैं इसी तहसील में, और गांव में भी धरना किया किसानों ने। यदि प्रशासन किसानों की यहाँ से मांगे नहीं मानता है, अभी तो केवल यहाँ पर कन्नौज जिले के लोग हैं, धीमे धीमे पूरे प्रदेश से प्रत्येक जिले से पदाधिकारी और लोग बुलाए जाएंगे और पैदल यात्रा यहाँ से लेकर के कन्नौज तक प्रथम चरण में, अगर फिर भी नहीं सुनवाई होती है तो सीधे मुख्यमंत्री आवास के लिए यहाँ से पूछेंगे। जैसा कि देखा जा रहा है दिल्ली में भी किसान बैठे हुए हैं और यहाँ भी किसान बैठे हुए हैं, क्या लगता है कि सरकार किसान विरोधी है? सरकार किसान विरोधी है, अगर सरकार किसान विरोधी नहीं होती तो अब तक किसानों की सुन ली है। हम तो ये चाहते हैं सरकार अच्छे नियम लेकर के आए, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करे, हम सरकार की प्रशंसा करेंगे। सरकार अगर चाहती है कि किसान उनको आगे भी चुनते रहें हैं तो किसानों के बीच में सरकार को आना होगा और किसानों को, जैसा कि देखा जा रहा है कि आपने अभी उप जिलाधिकारी को अपने साथ बैठा लिया और कहा कि जब तक हमारे मांगे कोई नहीं होगी तब तक आपको नहीं देंगे, इस पर क्या कहना है आपका? जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी उनकी जिम्मेदारी बनती है, तहसील के मालिक हैं वो, उनके तहसील क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो जाता है और उप जिलाधिकारी को मालूम नहीं पड़ता है, तो ये तो एक बहाना है उनका, या तो इसमें हिस्सेदारी उप जिलाधिकारी की भी होगी तभी इतना बड़ा भ्रष्टाचार।